हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। अब आज हम बनाएंगे पानी पूरी बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी 5 मिनट में। पानी पूरी बनाना हुआ बिल्कुल आसान, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मार्केट से गोलगप्पे लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 गोलगप्पे इसमें डाल दिए हैं और बहुत आसानी से फूल जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है। अभी ना कोई झंझट के ये गोलगप्पे बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो देखिए कितने आसान तरीके से अच्छे से बैलून जैसे फूल गए हैं, और ये टच करते ही ये पलट जाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे ये गोलगप्पे फूल गए हैं। तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे थोड़ा लालपन, तो देखिए अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इसको अब हम निकाल लेंगे। अब इसी तरह से सारे गोलगप्पों को हम फ्राई कर लेंगे, देखिए। तो इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर मार्केट से लाइएगा। सिर्फ घर पे क्या है कि पानी पूरी बनाने में कोई झंझट नहीं होती है, बस पानी तैयार करो और स्टफिंग, अच्छे से गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे गोलगप्पे को फ्राई कर लेंगे। और घर पे क्या है कि थोड़ा ज़्यादा बन जाता है और पेट भरकर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारे गोलगप्पे को हमने फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 4 आलू लिए हैं, अब आलू को हम मैश कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको और ज़्यादा बनाना है तो यहाँ पे आलू और ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 आलू लिए हैं और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। तो देखिए, हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे ये जो हरी धनिया की फ्रेंड्स चटनी होती है, तो इसमें हमने सिर्फ हरी धनिया और मिर्ची, नमक डाला है, बाकी कुछ नहीं डाला है इसमें। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और 2 कटी हुई मिर्ची डाल देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो मिर्ची कटी हुई डाल सकते हैं, नहीं तो हमने जो चटनी पीसी है इसमें भी हमने डाल रखी है। और जो हमने फ्रेंड्स ये चना है, चना को भी हमने रात को भिगाया था, तो इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे और हरी धनिया कटी हुई डाल देंगे। अब अच्छे से इसको हम मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे काला नमक, आप वाइट वाला नमक भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हम काला नमक मिलाकर अच्छे से स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ये जो हमारी स्टफिंग बनी हुई है बहुत ही टेस्टी बनी हुई है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी। अब यहाँ पे हम पानी तैयार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम पानी में काला नमक मिलाया है और इसमें हम मिलाएंगे, देखिए जो चटनी हमने पीसी थी फ्रेंड्स, उसको हम डाल देंगे इसी में और इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जलजीरा भी ला सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पर हम यहाँ पे चटनी हमने मिलाया है। अब इसमें हम कटी हुई धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे खट्टापन करने के लिए नींबू कटा हुआ। तो देखिए, अच्छे से इसको हम 1 नींबू पूरा साबुत डाल देंगे ताकि ये अच्छे से खट्टापन आ जाए। ये बहुत ही टेस्टी पानी बनेगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे हमने दोनों पीसेस को डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पानी भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो हमारे गोलगप्पे और पानी पूरी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, तो देखिए हमारे गोलगप्पे और पानी पूरी बनकर तैयार हो चुका है ना, कितना आसान, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है बनाने में। अब इसको हम आपको एक तोड़कर दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी रेसिपी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।